आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग कनकेव मिरर्स के रे डायग्राम बनाने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो अपने माइंड में बिठा लीजिए स्टूडेंट्स, जो कनकेव मिरर है ये आपका कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर्स का मतलब अगर आप कभी भी ये कनकेव का पॉलिश पार्ट है स्टूडेंट्स, जो बैक साइड में ऐसे लाइन दिखाई जाती है, ये पॉलिश पार्ट है, सिल्वर की कोटिंग यहाँ पे की जाती है और सिल्वर यहाँ इसलिए कोट किया जाता है क्योंकि बेस्ट आप लोगों का रिफ्लेक्टर होता है। अब क्या होता है, कन्वर्जिंग है, इसका मतलब ये रेज जब भी आप ऐसे पास करोगे इस तरीके से तो कन्वर्जिंग होने की वजह से ये इसको कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा कर देगा, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर्स में काउंट करते हैं। तो इसी का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे किसका, कनकेव मिरर का, तो लाइट्स को आपको कन्वर्ज करना है। तो इसके चार पांच रूल्स हैं, तो पहले वो रूल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी इमेज फॉर्मेशन बना के दिखाऊंगा उसमें। वो रूल्स क्या है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ भी वो इसको बिल्कुल मिड पे कट करता है, दैट इज कॉल्ड द पोल। पोल के जैसे इधर आपका होता है फोकस, इक्वल डिस्टेंस पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहला रे डायग्राम है बच्चों वो ये है कि अगर रेस पैरलर आए तो क्या होगा, अगर रेस इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर जाए तो क्या होगा। तो जैसे कि आपको बताया हुआ है कि कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर, तो कन्वर्ज करेगा, पैरलर रेस को वो हमेशा फोकस से पास करेगा स्टूडेंट, हमेशा। और एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आप यहाँ पे एग्जाम में नॉर्मल भी ड्रॉ कीजिएगा और ये नॉर्मल हमेशा आपके कर्वेचर से पास करेगा, कहाँ से, कर्वेचर से। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रेस कभी भी पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा, बिल्कुल उसका रिवर्स याद रखिएगा। रिवर्स क्या, कि अगर ये आपका कनकेव मिरर है, दैट इज द पोल, द फोकस, द कर्वेचर, तो जैसे कि याद किया आपने कि पैरेलल रेस फोकस से पास करेगा, ऐसे याद रखिए फोकस से रेस पैरेलल होके जाएगा। इससे बड़ा इजी हो जाता है याद करना, क्योंकि पैरेलल तो फोकस, तो फोकस तो पैरेलल। फिर वही बात स्टूडेंट्स, हम यहां पर कर्वेचर से अगर एक लाइन लेके जाएंगे तो दिस इज बिहेव लाइक अ नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी भी कनकेव मिरर्स में आप ये दो रेडर तुरंत याद हो जाते हैं, क्योंकि पैरेलल तो फोकस से पैरेलल। तो ये दो रे डायग्राम, अभी दो रे डायग्राम मैं आपके साथ और डिस्कस कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अगले दो रे डायग्राम भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। दो रे डायग्राम हो चुके हैं आप लोगों के, और साथ में नॉर्मल का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बच्चे अक्सर शो नहीं करते हैं रिजल्ट्स के, उसमें पेपर के टाइम पे मार्क्स के काफ़ी डिडक्ट होते हैं। ये आपका कनकेव मिरर है, ये जो पीछे बैक साइड में लिखता हूँ ये आपका सिल्वर पोर्शन एरिया है, और यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को टच कर रहा है पोल, उससे सर्टेन डिस्टेंस पे फोकस, उतने डिस्टेंस पे आपका कर्वेचर। इस बार क्या है बच्चों, रेस कर्वेचर से पास कर रही है, रेस कर्वेचर से। सोचिए बच्चों, नॉर्मल आप कहाँ से बनाते हैं, कर्वेचर से जाते हुए, जहां भी जैसे आपने इसे पहले देखा था जब पैरेलल आप लेके आए थे तो आपने नॉर्मल कहां से बनाया था, तो कर्वेचर से ले जाके जहां पे वो टच कर रहा था, जहां पे वो आपके मिरर को टच कर रहा था उसको आपने कर्वेचर से पास किया। देखो तो कर्वेचर से पास कर रहा है, तो अगर आप इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बच्चों तो नॉर्मल तो इसी कलोंग आ जाएगा। तो ये पेपर में कई बार आता है कि जब कर्वेचर से पास करेगा तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल तो इसी कलोंग होगा। और आपने ये चीज पढ़ा है स्टूडेंट कि अगर रे आपका कर्वेचर से पास कर रहा है और नॉर्मल वही है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। इस केस में क्या होता है बच्चों कि अगर कर्वेचर से रे आया है तो कर्वेचर से ही वापस चला जाएगा। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, जितने क्योंकि एंगल तो बन नहीं रहा इस बार, तो जितने जिस डायरेक्शन से वो आया है उसी डायरेक्शन से वापस चला जाता है स्टूडेंट, ऐसा होता है नॉर्मल इंसिडेंस के टाइम पर। एक और केस फिर इसका ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है, ना तो आपका आई बन रहा है ना तो आपका आर बन रहा है, दोनों वैल्यू का एंगल का वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो। क्योंकि देखिए ना, आपने क्या किया है, आपको क्या सिखाया गया है कि जब भी रेज आएंगी ये कर्वेचर से जैसे पास कर रहा है इस तरीके से, तो आपको नॉर्मल तो इसी के लॉन्ग बनाना है ना, इसी के लॉन्ग, तो इससे साथ तो का एंगल बन ही नहीं रहा, क्योंकि आप एंगल किसके साथ देखते हैं, नॉर्मल के साथ।
तो रे तो नॉर्मल के साथ ही है, अगर कोई लाइन है उसके साथ ही एक और लाइन चली जाए तो एंगल तो जीरो ही बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर जब ये कर्वेचर से पास कर रहा है तो यही तो नॉर्मल भी हुआ, इसलिए ना तो यहाँ आई का वैल्यू है और ना ही आर का, इसलिए वापस चला जाएगा क्योंकि आई का वैल्यू जीरो है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आर भी जीरो होगा, इसलिए उसी एंगल को मेंटेन करता हुआ वापस चला गया। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कर्वेचर से रे अगर आता है तो कर्वेचर से ही वापस जाता है। चौथा और आखिरी रे डायग्राम स्टूडेंट, ये आपका कनकेव मिरर है, फिर से मैं कह रहा हूँ ये पॉलिशिंग पार्ट है आप लोगों का, ठीक है। ये पोल है आपका फोकस और उतने ही डिस्टेंस पे, बाबा कह रहे हैं उतने डिस्टेंस पे, क्योंकि स्टूडेंट ये जो आर होता है इस फोकस का डबल होता है तो सेम डिस्टेंस पे रहता है। अब क्या हो रहा है कि रे पोल से पास कर रहा है, पोल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो आपको क्या बताया जहां टच करता है वहां क्या बनाइए, नॉर्मल। नॉर्मल किससे पास करेगा, कर्वेचर से। तो देखिए इस बार प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल की तरफ बिहेव करने लग गया। बच्चों पूछ सकता है एग्जाम में कौन से इंसिडेंट्स में आपका प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल की तरफ बिहेव करता है जब रे जो है वो आपके पोल पे स्ट्राइक करता है। जितने एंगल पे स्टूडेंट्स इतने से ट्राई किया उतने ही एंगल से वापस आ जाएगा। इस तरीके से आपके जो चार रे डायग्राम्स हैं, पहला पैरेलल फोकस से पास, फोकस पैरेलल कर्वेचर से आया, कर्वेचर से गया, पोल पे स्ट्राइक हुआ उतने एंगल से वापस आ गए, चार तरीके से आप रे डायग्राम कनकेव के बना सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि इसी कनकेव का हम लोग इमेज फॉर्मेशन कैसे करने वाले, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कनकेव मिरर से आप इमेज बनाने वाले हैं। अब इधर रे डायग्राम, अगर रे कलेक्ट हो जाएंगी सारी तो हम इमेज इसका बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आपको सारे डायग्राम याद रहेंगे कि कौन सा रे डायग्राम जो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं तो कहाँ इमेज बनता है। और हर बार की तरह ये पॉलिशिंग पार्ट है आपका जो बैक साइड में होता है, पॉलिशिंग पार्ट जहाँ टच करता है दैट इज कॉल्ड द पोल। इससे सर्टेन डिस्टेंस पे आपका फोकस, इतने डिस्टेंस पे आपका कर्वेचर, मतलब छः पोजिशंस होती है जो ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। पहला जो आपका पोजिशन है ये हो गया एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जैसे सन मून ये सब बहुत दूर होते हैं हमसे, ठीक है। प्लैनेट्स वगैरह जो है ये सब बहुत दूर रहते हैं, तो ये सब जो है आपके इन्फिनिटी के अंदर। तो पहला ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर रहे हैं वो सी से थोड़ा पीछे आप देख सकते हैं, तो इस सेकेंड प्लेस को बियॉन्ड सी कहा जाता है, कि हमने सी के बियॉन्ड रखा, सी से जस्ट पीछे रखा। तो तीसरा एट सी, जो तीसरा पोजीशन है वो आपका एट सी हो गया कि आप कर्वेचर पे रख रहे हैं। अगला आप देख रहे हैं कर्वेचर और फोकस के बीच में है, इन बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस। उसके बाद जो अगला केस है वो एट फोकस हो गया स्प्रिंट, जो फिफ्थ है यहाँ पर, इसका मतलब हमने कहाँ प्लेस किया है, फोकस पे। और छठा केस स्टूडेंट जो है इन बिटवीन पोल एंड फोकस। तो मतलब आपके पास ये छह पोजीशंस हैं जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, इन्फिनिटी पर, सी के पीछे, सी पर, सी और एफ के बीच में, फोकस और फोकस और पोल के बीच में। बच्चों इसको ऑब्जेक्ट को आप यहां रख सकते हो। इसकी इमेज को याद करने का तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका रहता है बच्चों, आप यहां से शुरू करिए। पहला इमेज यहां बनेगा, मतलब इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा, उल्टा लेके चलिए, ठीक है ना, कहिए चलिए उल्टा लेके चलिए, यहां से उल्टा कर दीजिए आप रिवर्स इस तरीके से, 1 2 3 4 5 अपनी जो काउंटिंग है उल्टी कर दीजिए, यहां से शुरू कर दीजिए 1 2 3 4 5। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी पे, तो उसका इमेज कहां बनेगा, 5 नंबर क्या है, फोकस। अगर आपका ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे तो उसका इमेज कहां बनेगा, 5 नंबर, फोकस। बियॉन्ड सी रखेंगे तो कहां बनेगा, इन बिटवीन सी एंड एफ। तो वही है बच्चों, अगर आप इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे, बियॉन्ड सी रखेंगे तो सी और एफ के बीच में, सी पे रखेंगे तो यहीं पर, क्योंकि 1 2 3 अगला पोजिशन या 4 अगला 5। बस ये छठा केस है जो थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा कि वो आपके जो मिरर्स है उसके बैक साइड पे बनेगा। स्टूडेंट याद रखिएगा यहाँ 5 के साथ 1, 4 के साथ 2, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। इससे आपको याद रहेगा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इमेज फोकस पे होगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है इमेज इन बिटवीन सी एंड एफ होगा, ऑब्जेक्ट सी पर है
इमेज भी सी पर होगा। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो बच्चों सेकंड, सेकंड मतलब बियॉन्ड सी होगा। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो पहला, पहला मतलब इन्फिनिटी पे होगा। इससे बड़े आराम से आप ये याद कर सकते हैं, ये सारी पोजीशन जो ये लिखी है बच्चों ये ऑब्जेक्ट को लेके हैं, और ये जो नीचे लिखी है मैंने ये सारी बच्चों इमेज को लेके हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज सी एन एफ, ऑब्जेक्ट एट सी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके पास आ रहा है बच्चों इमेज से दूरी बढ़ा रहा है। पूछ सकता है एग्जाम में कि अगर ऑब्जेक्ट इसके पास जाता है टुवर्ड्स द पोल जाता है तो इमेज कहाँ जाता है, अवे फ्रॉम द पोल जाता है। जितना पास आप पोल के जा रहे हैं इमेज उतनी ही दूरी अपने पोल से बढ़ा रहा है स्टूडेंट। तो एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप सारे इमेज फॉर्मेशंस को याद रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इमेज बन रहा है। अब इसको हम एक एक करके बनाएंगे स्टूडेंट्स, और इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी कि हमेशा आपको किस तरीके से उसको प्रोसीड करना है। चलिए स्टूडेंट्स, दो रे डायग्राम आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और ये है पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। जैसे मैंने आपसे कहा सन, प्लैनेट, स्टार, इनसे जो रेज आती हैं सब इन्फिनिटी रेज हैं। इन्फिनिट रेज आप इस तरीके से शो करते हैं बिल्कुल पैरेलल। और सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका पोल है, फोकस है, कर्वेचर है, आपको नॉर्मल हमेशा शो करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स जनरेट हो जाएंगे। स्पीड जो पहला रे है उसका जो नॉर्मल है वो आप जानते हैं कि नॉर्मल हमेशा कर्वेचर से पास होता है, ठीक है। और जो दूसरा रेज है वो पोल पे स्ट्राइक हो रहा है, तो इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ही इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो हमेशा आपको नॉर्मल जरूर शो करना है। तो कन्वर्जिंग है तो रे आया, कन्वर्ज हुआ, ठीक है, इस तरीके से, और ये भी कन्वर्ज हुआ। और कन्वर्ज होके जिसने इमेज बनाया वो कहाँ बनाया बच्चों, फोकस पे, जो हम जानते थे फोकस पे बनेगा। जब भी रेज पैरेलल आई, पहली चीज देखो स्टूडेंट्स, ये रेज है, इंसिडेंट रेज है, यहाँ पे आके स्ट्राइक हुई, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये कर्वेचर से पास होता है, ये कर्वेचर से पास होता हुआ, फिर दोनों को कन्वर्ज किया, आपका फोकस पर क्या बन गया, इमेज बन गया। तो जो इमेज बना अगर उसके पोजिशन की बात करें तो उसका पोजिशन रहा बच्चों फोकस, फोकस पर इमेज बना। उसके नेचर की बात करें कि इसका नेचर कैसा है तो बच्चों रियल है। देखो रियल का मतलब होता है कि रे स्ट्राइक हो गया अपने आप ही मीट हो गया, अगर अपने आप मीट नहीं होता आपको वर्चुअली मीट कराना पड़ता है। जैसे आप केस नंबर 6 में देखोगे इसमें, जब वो मैं बताऊंगा तो वहां देखना वहां वर्चुअल इमेज होता है, रियल और इन्वर्टर, इन्वर्टर मतलब उल्टा, दो होते हैं इरेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज भी ऐसे ही है तो इरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज भी ऐसे है तो उसको बोलते हैं इरेक्ट, लेकिन अगर इमेज नीचे की तरफ बन रहा है तो बोलते हैं इन्वर्टेड। तो रियल हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही बनाएगा बच्चों, ठीक है। इसके साइज की बात करें तो हाईली डिमिंग, बहुत छोटा साइज का बनता है, ठीक है। देखो मून और अदर प्लैनेट्स का साइज कितना बड़ा होता है, लेकिन उसकी इमेज जो बनती है बहुत छोटी सी बनती है इसमें। दूसरा केस अगर हम यहां देखें स्टूडेंट्स, पोल, फोकस, कर्वेचर, बियॉन्ड कर्वेचर आपने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया ए और बी। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप हमेशा जितने केसेस होंगे इसमें आपको दो रेज निकालनी है, एक पैरेलल, तो मैंने कहा जब भी रेज जाएंगी तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, उसका नॉर्मल, नॉर्मल किससे पास करेगा, कर्वेचर से। पैरेलल रेज है जानते हैं किससे पास करेगा, फोकस, किससे पास करेगा, फोकस से। दूसरा रे बच्चों हमेशा हमेशा आप इस कर्वेचर से ही पास करें। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो रेस कर्वेचर की तरफ जाती है वो कर्वेचर से ही वापस आती है। तो देखिए ये इंसिडेंट रे है, एक ये जो पैरेलल निकला और ये जो निकला यहां से ध्यान रखिएगा कर्वेचर से, ये दो इंसिडेंट रे हुई, ये तो नीचे चला गया रिफ्लेक्टेड रे और ये वहां पर रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड रे यहां मीट हुई ना, रिफ्लेक्टेड रे यहां मीट हुई, ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे, ये रे तो टकरा के नीचे आ रहा है, ये तो वापस चला गया, यहां मीट हुई, ये बना इमेज, ये बना इमेज। मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे क्योंकि आप साथ साथ नॉर्मल शो कर रहे हैं। तो बच्चों जो इमेज का पोजीशन हुआ वो तो हमें पहले पता था कहां बनने वाला था, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर अभी भी देखिए वो अपने आप ही मीट हुए, वहां पर अपने आप ही हुए हैं, तो रियल, और रियल हमेशा कैसा होता बच्चों, इन्वर्टेड। साइज की बात करें तो अभी भी वो थोड़ा डिमिंग साइज, पहले से थोड़ा बड़ा,
प्रीवियस वाले केस से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन डिमिंच तो अभी भी रहेगा स्ट्रेस का। ध्यान रखिएगा ऐसा हाईली डिमिंच बहुत छोटा, डिमिंच छोटा तो है पर इससे थोड़ा सा बड़ा, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। जब भी पैरेलल रे जाएगा फोकस से पास करेगा, दूसरा हमेशा सेंटर से निकाले। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत ही पड़ेगी नहीं, क्योंकि कर्वेचर से गया हुआ रे तो कर्वेचर से वापस आ जाता है, जहां मीट हुआ वहां आपका इमेज बन गया। ठीक है, दो और बताता हूं, इससे आपको ये वाला कंसेप्ट और क्लियरिफाई होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को हम सी पे रख रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करिएगा, फोकस कर दीजिए। जैसा कि आपको पहले बताया, आप पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दीजिए। आप पहले से जानते हो शॉर्ट ट्रिक से कि इमेज भी यही बनने वाला है, नीचे बनने वाला है। ठीक है, पहले शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दिया था, तो पता तो है कि इमेज कहाँ बनने वाला, बनाएंगे कैसे, एक रे पैरेलल। ठीक है, और पैरेलल बनाते पहला काम क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना, और नॉर्मल हमेशा आपके कर्वेचर से जाएगा। और पैरेलल रेज आप जानते हैं किससे पास करने वाला है, फोकस से। तो ये हो गया इसका इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन एक रे तो और चाहिए होगा आपको। अब एक और रे पिछले केस में तो हमने कर्वेचर से पास किया था, आप यहाँ पास कर सकते हो, लेकिन क्या है कि ऑब्जेक्ट तो कर्वेचर पे रखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पास कर सकते हो, यहाँ से पास करोगे यहीं से वापस आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो हॉटस्पॉट सा रहता है। तो क्या कर सकते हैं, हमें पता है एक रे फोकस से अगर निकाले, अगर एक रे फोकस से निकाले तो पैरेलल चला जाएगा बच्चों, पैरेलल चला जाएगा, जहां मीट करेगा वहां इमेज बन जाएगा। देखो बन गया कर्वेचर पे इमेज। तो बच्चों क्या होता है कि आपने दो रेस तो बतानी होती है हमेशा, एक आपको पैरेलल शो करना हमेशा, एक हमेशा कर्वेचर से, लेकिन ऑलरेडी कर्वेचर पर है, ऑलरेडी है, तो आप यहां चाहो तो शो कर सकते हो। पिछले वाला जो केस था जब बियॉन्ड सी था, पोल फोकस कर्वेचर बियॉन्ड सी था, तो बड़ा आसान था वहां पर इस चीज को ड्रॉ करना, पैरेलल और एक कर्वेचर, है ना। यही क्या था, हमने पैरेलल फोकस से पास कर गया था, कर्वेचर वापस चला गया था, ये इमेज बन गया था। तो कर्वेचर, लेकिन अब तो ऑलरेडी कर्वेचर है तो रे ऐसे जाएगा, तो थोड़ा सा हॉचपॉच सा रहता, तो क्या कर दिया हमने, एक पैरेलल और एक हमने पास कर दिया फोकस से, पैरेलल वाला इधर आ गया और जो फोकस से गया था वो पैरेलल हो गया, यहाँ इमेज बन गया स्प्रिंट। तो जो इमेज का पोजीशन हुआ हमें पता है कहाँ बना है, एट सी। बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि ऐसी कौन सी पोजिशन है जहाँ ऑब्जेक्ट वहीं पर इमेज अपना फॉर्म करता है, एट सी। और बच्चों यहाँ नेचर एज यूजल आप देख रहे हो अपने आप मीट कर रहा है, तो रियल है, रियल चीजें हमेशा कैसी होती है, इनवर्टेड। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो अब सेम साइज का है ऑब्जेक्ट के। तो ध्यान रखिए जैसे जैसे आप इधर आ रहे हैं, यहां हाईली डिमिंस था, थोड़ा साइज बड़ा हुआ, अब बराबर हो गया, अब बढ़ने वाला है। तो जैसे जैसे इधर दूर जा रहा है इमेज, साइज भी बढ़ता जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सी के साथ जो अगले केसेस बचे हुए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ।